कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राजधानी में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो चाहे जो वादे करें, जनता उस पर विश्वास नहीं करती है। जावड़ेकर ने भाजपा के पिछले वायदों को गिनाया और कहा कि भाजपा सरकार ने वादा निभाया है, जिसमें हर घर को बिजली देने, वन रैंक वन पेंशन देने, गांवों में डिजिटल योजना पहुंचाने, जीएसटी लागू करने सहित महंगाई भी कम की है। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देशभक्तों को परेशान करने वाला मैनिफेस्टो है, जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर जावड़ेकर ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर हमला किया है और कहा कि भारत में दो पीएम नहीं हो सकते। साथ में कांग्रेस पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने 2004 में कहा था कि हम वन रैंक वन पेंशन देंगे, 2014 तक नहीं दिया। उसके लिए केवल 500 करोड़ रखे थे, मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन दिया, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने 2009 में कहा था कि 3 साल में हम देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड देंगे, उन्होंने 2014 तक केवल 59 गांवों में दिए थे। लाखों गांव में देने का काम पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने किया। उन्होंने किसानों को डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स, ये 2004 और 9 दोनों चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन प्रत्यक्ष ऐसी कोई